नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में या पूरे देश में आईपीएस अफसर का काफी क्रेज है। हर एक युवा चाहता है कि वो आईपीएस अफसर बने, लेकिन आपको हम बता दें कि आईपीएस की ये चकाचौंध में कई लोग इसका नजायज फायदा उठाते हैं या फिर आईपीएस के नाम पर ठगी का शिकार भी बन जाते हैं। ऐसा ही मामला आया है भागलपुर से, जहां पर एक सिपाही जो है वो एक फर्जी आईपीएस के चक्कर में पड़ गया और 6.5 लाख रुपए गंवा दिया। और बता दे कि आईपीएस अफसर जो थी वो महिला थी और वैशाली की रहने वाली है। सबसे बड़ा बात है कि आखिर जो सिपाही जो है वो आखिर इस फर्जी महिला आईपीएस के चक्कर में कैसे आ गए। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आखिर 6.5 लाख रुपए इन्होंने क्यों दिए। हालांकि सिपाही को जब पता चला कि ठगी की शिकार हो गए हैं तो उन्होंने FIR दर्ज कराया। पूरा मामला बताते हैं। मामला ये है कि भागलपुर ट्रैफिक DSP के वाहन चालक सिपाही विक्की कुमार ने फर्जी IPS बन महिला ने न सिर्फ ठगी की बल्कि ब्लैकमेल कर धमकाया। घटना को लेकर सिपाही चालक ने CTSP से शिकायत की है। विक्की का कहना है कि उक्त फर्जी IPS महिला ने सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। सिपाही का आरोप है कि उक्त महिला ने फर्जी IPS बनकर 6.5 लाख रुपए ठग लिए। सच्चाई सामने आने पर पता चला कि उक्त फर्जी IPS महिला वैशाली हाजीपुर डाक बंगला रोड अनवरपुर की रहने वाली है। उसका असली नाम रुचि कुमारी है। सिपाही ने CTSP को दिया आवेदन में लिखा कि उक्त महिला ने दोस्ती करने के बाद बताया कि उसके पिता दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं। उसने यह भी कहा कि उसका छोटा भाई पटना में मुख्यालय DSP है। वर्दी में उसे देख सिपाही को विश्वास हो गया कि वो IPS अफसर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, IPS अफसर को एक सिपाही 6.5 लाख रुपए क्यों देगा। उसी समय सोचना चाहिए कि एक IPS अफसर है। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान। बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS कुमार टावर बोरिंग रोड पटना। कहाँ की रहने वाली है उसके बारे में आपने कुछ पता नहीं किया, 6.5 लाख रुपए कैसे दे दिया। तो यह भी एक जांच का विषय है कि किन कारणों से 6.5 लाख रुपए दिए गए। और बिहार में IPS के नाम पर ठगी जो है ये कोई नया मामला नहीं है। हर एक साल ऐसा मामला कुछ ना कुछ आता है जहां पर फर्जी IPS पकड़े जाते हैं और उनका मूल उद्देश्य ठगी करना होता है। 2021 की बात करें हम, 3-3 फर्जी IPS अफसर पकड़े गए थे। नालंदा में एक युवक पकड़ा गया था जो कि ठगी का काम करता था। बेगूसराय में IPS बनकर IB का खुद को अधिकारी कहकर नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे की वसूली करता था। समस्तीपुर में ऐसा ही मामला आया, वहां भी ठगी के लिए IPS बन के घूमते थे लोग। तो बता दें आपको हम कि बिहार में फर्जी IPS की कमी नहीं है, हर एक साल 2-3 पकड़े ही जाते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक खुद पुलिस वाला इस फर्जी महिला के IPS महिला के चक्कर में पड़ गया और 6.5 लाख रुपए गंवा दिए। और उसने अब इसकी शिकायत CTSP के पास की है और पता चला है कि जो महिला जो है जो खुद को IPS बता रही है अपने पिता के बारे में कि पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं दिल्ली के, उनका भाई छोटा मुख्यालय DSP है पुलिस हेडक्वार्टर में, वो वैशाली की रहने वाली रुचि कुमारी है। तो देखिए जाँच आगे होता है, क्या क्या बातें सामने आती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।